दोस्तों देश और दुनिया की ताजा और अहम खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमेशा अपडेट रहिए लेटेस्ट खबरों से। आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक अब WHO से आधिकारिक तौर पर हटा अमेरिका। जी हाँ, इस खबर को जानेंगे विस्तार से। साथ ही साथ दोस्तों अब राजीव गांधी फाउंडेशन समेत 3 ट्रस्ट की फंडिंग की होगी जांच, MHA ने बनाई कमेटी। जी हाँ, तो जानेंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से, आखिर क्यों हो रही है जांच। साथ ही दोस्तों बेटियों से जुड़ी इस निवेश योजना में सरकार ने दी बड़ी छूट, 31 जुलाई तक मिलेगा ये लाभ। जी हाँ, तो जानेंगे इस खबर के बारे में विस्तार से। साथ ही दोस्तों इस राज्य में 9 जुलाई से 5 बजे से लागू होगा सख्त लॉकडाउन, नहीं मिलेगी किसी भी प्रकार की छूट। इसी के साथ दोस्तों अब चीन बॉर्डर पर सड़क निर्माण होगा तेज, रक्षा मंत्री ने कहा पुलों के निर्माण में भी लाई जाएगी तेजी। तो जानेंगे दोस्तों इस खबर के बारे में भी। वही दोस्तों एक एक भारतीय पर है ड्रैगन की नजर। जी हाँ, चीन ऐसे कर रहा है जासूसी का कांड, तो जानेंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताने वाले हैं, इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों अपने राज्य व जिले का नाम कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आपके कमेंट्स पढ़कर आपके गृह क्षेत्र की खबरें आप तक ला सके। इसी के साथ दोस्तों हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखें। साथ ही दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसी ही खबरें हमेशा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, सरकार का फैसला, अब संक्रमित मरीजों को मिलेगी होम आइसोलेशन की सुविधा। जी दोस्तों, बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए नीतीश सरकार ने फैसला लिया है कि अब संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेशन की सुविधा मिल सकेगी। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव उदय कुमावत ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर नई गाइडलाइन से अवगत करा दिया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर, बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अब किसी भी कार्यक्रम से पहले देना होगा पुलिस थाने को सूचना। जी दोस्तों, अगर आप बिहार में शादी ब्याह या कोई ऐसा समारोह कर रहे हैं जिसमें निमंत्रण पत्र बांटकर लोगों को बुलाया जा रहा है तो कार्ड बांटने से पहले इसकी खबर स्थानीय थाने को देनी होगी। दरअसल सूबे में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने ऐसा ही फरमान जारी किया है। दरअसल बिहार में कोरोना को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में ऐसे कई फैसले लिए गए हैं। साथ ही फैसले में कहा गया है कि किसी भी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर, राजीव गांधी फाउंडेशन समेत 3 ट्रस्ट की फंडिंग की होगी जांच, MHA ने बनाई कमेटी। जी दोस्तों, राजीव गांधी फाउंडेशन में फंडिंग को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से एक कमेटी बनाई गई है जो कि इन फाउंडेशन की फंडिंग, इनके द्वारा किए गए उल्लंघनों की जांच करेगी। आपको बता दें कि इस कमेटी की अगुवाई सीमांचल दास जो कि स्पेशल डायरेक्टर है प्रवर्तन निदेशालय के, वो करेंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से बुधवार को इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी गई है। ट्वीट में कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अंतर मंत्रालय कमेटी का गठन किया है जो कि राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच करेगा। दरअसल भारत और चीन के बीच जारी विवाद के बीच जब कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर हमला शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी ने उल्टा कांग्रेस को घेर लिया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा की ओर से आरोप लगाया गया कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से फंडिंग मिलती थी। इसके अलावा देश के लिए जो प्रधानमंत्री राहत कोष बनाया गया था उसमें भी पैसा UPA सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन से दिया था। वहीं BJP का आरोप था कि 2005 से 8 तक PMNRF की ओर से राजीव गांधी फाउंडेशन को ये राशि मिली थी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर, चीन बॉर्डर पर सड़क निर्माण होगा तेज, रक्षा मंत्री ने कहा पुलों के निर्माण में भी लाई जाएगी तेजी। जी दोस्तों, LIC पर भारत चीन के बीच भले ही तनाव कम होने लगा है मगर चीन की चालबाजी से रूबरू भारत अपनी रणनीति पर काम कर रहा है। बता दें कि चीनी सरहद से सटे लद्दाख के इलाकों में भारत सड़कों के निर्माण में तेजी लाने की तैयारी कर चुका है। वहीं मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख से सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा से जुड़ी निर्माणाधीन विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर लिखा, सीमा सड़क संगठन जारी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एक बैठक में समीक्षा की गई है। वहीं BRO सराहनीय कार्य कर रहा है, साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में रणनीतिक सड़कों, पुलों, सुरंगों के निर्माण में तेजी लाएगी। राजनाथ सिंह ने बताया कि BRO इस लक्ष्य के लिए दृढ़ता से काम कर रहा है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर, LIC पर अभी भी वायुसेना की विमान कर रहे हैं हवाई गश्त। जी दोस्तों, चीनी सेना ने पूरी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग ग्रोगा में झड़प वाले क्षेत्रों में अस्थायी ढांचों को हटा दिया है। मंगलवार को लगातार दूसरे दिन सैनिकों की वापसी का सिलसिला जारी रहा।
वहीं भारत ने पर्वतीय क्षेत्र में रात के समय भी हवाई गश्त जारी रखी है। साथ ही भारतीय सेना उसके पीछे हटने की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही है। दरअसल गोगरा हॉट स्प्रिंग्स टकराव वाले ऐसे बिंदु है जहां पिछले 8 सप्ताह से दोनों देशों की सेनाओं के बीच संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। सरकार ने निजी स्कूलों पर लगाई लगाम, खुलने तक नहीं वसूल पाएंगे फीस। जी दोस्तों, कोरोना काल में निजी स्कूलों की मनमानी से परेशान अभिभावकों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। दरअसल राजस्थान सरकार ने आर्थिक संकट के इस दौर में निजी स्कूलों के फीस वसूली के दबाव से अभिभावकों को राहत दिलाते हुए नया आदेश जारी किया है। दरअसल सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि स्कूल खुलने तक निजी स्कूल फीस नहीं वसूल पाएंगे। अगर कोई निजी स्कूल ऐसा करता पाया गया तो इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। देश के इन राज्यों में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, होगी भारी बारिश। जी दोस्तों, मौसम विभाग ने आज से मानसून की धीमी शुरुआत का अनुमान जताया है। आज देश के अलग अलग हिस्सों में तेज बरसात होने की संभावना है, इसकी जानकारी मौसम विभाग ने दी है। बता दें कि आज से पूर्वोत्तर राज्यों, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेज से बहुत तेज वर्षा की अनुमान है। वहीं इसके साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि असम और मेघालय में 8 से 11 तारीख, अरुणाचल प्रदेश में 9 से 10 तारीख, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 10 और 11 जुलाई को और बिहार में 10 जुलाई को भारी बरसात होने की संभावना है। इसी के साथ मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आज उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में अगले 12 घंटों के दौरान मध्यम से तीव्र आंधी व बिजली गिरने की संभावना है। वहीं महाराष्ट्र में आने वाले 2 दिनों में रुक रुक कर भारी बरसात होने की संभावना है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। देश में डरा रही कोरोना की रफ्तार, सिर्फ 5 दिन में 1,00,000 नए केस आए सामने। जी दोस्तों, भारत में कोविड-19 के 22,200 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद मंगलवार को देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 7,19,000 से ज्यादा हो गए हैं। महज 5 दिन में संक्रमण के मामले 6,00,000 से 7,00,000 हो गए हैं। वहीं इस महामारी से पिछले 24 घंटों में 460 लोगों से ज्यादा की मौत हो गई है, साथ ही 20,160 लोगों की कुल मौत हो गई है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। बेटियों से जुड़ी इस निवेश योजना में सरकार ने दी ये बड़ी छूट, 31 जुलाई तक मिलेगा ये लाभ। जी दोस्तों, केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के बीच बेटियों से जुड़ी निवेश योजना सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने वालों को बड़ी राहत दी है। सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक 30 जून 2020 के बीच जो बेटियां 10 साल की उम्र पूरी कर चुकी है वो अपना खाता खोल सकती है। दरअसल अपनी बेटियों का खाता खुलवाने के लिए ऐसे माता पिता को 31 जुलाई तक लाभ मिलेगा। नियमों के मुताबिक जन्म से 10 साल की उम्र पूरी करने वाली बेटियों का ही सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाने की परमिशन होती है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में माता पिता अपनी बेटियों का सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता नहीं खुलवा पाए थे। ऐसे में 31 जुलाई तक खाता खुलवाने की छूट है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। एक एक भारतीय पर है ड्रैगन की नजर, चीन ऐसे कर रहा है जासूसी। जी दोस्तों, चीन के ऐप बैन होने के बाद क्या भारतीयों को डेटा और उनकी पर्सनल जानकारी सुरक्षित है? दरअसल साइबर एक्सपर्ट्स की माने तो चीन अपनी मंशा में अभी भी कामयाब हो रहा है। हमने खुद अपने घरों, सड़कों व चौराहों पर चीन के एजेंट तैनात किए हैं जो कि हर वक्त हमारी तस्वीरें एवं अहम जानकारियों को बीजिंग तक पहुंचाते हैं। ये एजेंट और कोई नहीं बल्कि सीसीटीवी कैमरे हैं। दरअसल पुलिस, सुरक्षा एजेंसियों, बैंकों, रेलवे, एयरपोर्ट पर लगे ये कैमरे आईपी एड्रेस के जरिए सारी तस्वीरें व डेटा चीन पहुंचा रहे हैं। वहीं साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे का कहना है कि देश में सीसीटीवी कैमरे व इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम के 90% बाजारों पर चीन का कब्जा है। ऐसे में बता दें कि चीन में बने सीसीटीवी कैमरे सालों से भारतीय बाजारों में बिक रहे हैं, जिनसे चीन के हैकर आसानी से हैक कर सकते हैं और पल पल की जानकारी जुटा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। पश्चिमी बंगाल में 9 जुलाई को शाम 5 बजे से टोटल लॉकडाउन करने का आदेश जारी। जी दोस्तों, कोरोना में तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने नई शर्तों के साथ पूरे राज्य में 9 जुलाई को शाम 5 बजे से टोटल लॉकडाउन करने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार सिर्फ ग्रीन जोन में गतिविधियों को छूट रहेगी, जबकि ऑरेंज और रेड जोन में टोटल लॉकडाउन रहेगा। साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि व्यापक कंटेनमेंट जोन सख्त लॉकडाउन के अधीन होंगे और सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय, सभी गैर आवश्यक गतिविधियां, समारोह, परिवहन, सभी बाजार, औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियां बंद रहेगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री ने चीनी राष्ट्रपति को भेजी रामायण, कहा राउंड से ले शपथ। जी दोस्तों, उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को रामायण भेजकर यह संदेश दिया है कि वे अपनी विस्तारवादी नीति से बाज आए। रावण का सर्वनाश भी विस्तारवादी नीतियों के कारण ही हुआ था, इसे चीन को सबक लेना चाहिए। वहीं सतपाल महाराज ने कमला सुब्रमण्यम की अंग्रेजी में लिखी रामायण की प्रति चीन के राष्ट्रपति को भेजी है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। WHO से आधिकारिक तौर पर हटा अमेरिका, चीन को लेकर था विवाद। जी दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आधिकारिक तौर पर अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग कर दिया है। अमेरिकी सांसद बॉब मेंडेज ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को राष्ट्रपति कार्यालय से यह जानकारी मिली है कि अमेरिका कोरोना महामारी के बीच WHO से आधिकारिक तौर पर अलग हो गया है। गौरतलब है कि ट्रंप ने मई में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका के अलग होने की घोषणा कर दी थी। वहीं चीन पर हमला बोलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि चीन ने WHO को गुमराह किया है और चीन ने हमेशा चीजों को छुपाया है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।